everyone, I am Shyam Champaneri, lecturer in Civil Engineering Department at LGU Polytechnic. Now today we will discuss about the subject. Subject is Water Supply and Sanitation Engineering and its topic is Population Forecasting Method. So let us start with the brief information of Population Forecasting Methods. And second one is Types of Population Forecasting Methods. सो फर्स्ट हम देखेंगे कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग यानी क्या. सो नाउ अभी के समय में जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को कंसिडर करके इन फ्यूचर कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो हम जो प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. ना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्यों जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर हमारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो बात करें तो इन फ्यूचर कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उसके अकॉर्डिंग वाटर सप्लाई का नेटवर्किंग और वेस्ट वाटर कलेक्शन का नेटवर्किंग डिजाइन करना उस पे डिपेंड है और उसकी डिजाइनिंग भी डिपेंड है पॉपुलेशन के ग्रोथ पे. दो टाइप से हम पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं. द फर्स्ट आता है शॉर्ट टर्म के लिए और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म के लिए. तो शॉर्ट टर्म में हम पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं अप टू 1 ईयर से लेकर 10 ईयर तक. और लॉन्ग टर्म के लिए हम जो पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं वो हम करते हैं 1 ईयर से लेकर 50 ईयर्स तक. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स. तो फर्स्ट एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड एंड लास्ट वन इज जोनिंग मेथड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड के बारे में. तो ये जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल मेथड है, कॉमन मेथड है जो हम यूज करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए. तो उसका इक्वेशन है Pn is equal to P plus Ni. Now, Pn is equal to what? So, Pn is equal to future population at the end of n decades. Now, P is equal to what? The population in present year. Now, I is equal to what? So, I is equal to average increment for n decade. Next, geometrical increase method. तो इस method में हम क्या करते हैं कि जो भी population growth होता है उसके जो कितने percentage में वो हुआ है वो percentage को हम assume करके population हम find करते हैं. तो उसका equation है Pn is equal to P into bracket 1 plus I divided by 100 bracket close. Again same where Pn is equal to what? So future population end of n decades. Now P is equal to present population. I is equal to average increment for decade. And n is equal to numbers of decades. Next, incremental increase method. तो ये जो मेथड है वो थोड़ी एडवांस मेथड है. हम जो एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड देखी उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड देखी उस दोनों मेथड से ये एडवांस मेथड है. उसका इक्वेशन है Pn is equal to P plus I plus R into N. Now here Pn is equal to again future population the end of n decades. Now P is equal to present population. R is equal to average incremental increase value. And now n is equal to again number of decade. Next, आगे हम बात करें तो आती है method decreasing rate growth method. तो इस method में क्या है कि जो जितने percentage में हमें previous year में जो population increase value मिलती है उस value को जितनी हमें population forecast करते हैं तो उसमें जितनी भी decrease हमें population growth value मिलती है उसके percentage को higher population growth के percentage में से हम जो सब्सट्रैक्ट करके जो हम पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड. नाउ नेक्स्ट आगे हम देखते हैं तो है सिंपल ग्राफिकल मेथड. तो इस मेथड में क्या है कि हमारी सिटी और टाउन की कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हम फ्यूचर में एज इट इज कंसिडर करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉपुलेशन हमें ग्रोथ मिलता है उसको हम एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके शो करते हैं. तो इस मेथड को हम बोलते हैं सिंपल ग्राफिकल मेथड. नेक्स्ट मेथड की हम बात करें तो आती है जोनिंग मेथड. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर टाउन को हम डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूशन हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गई, उसके बाद रेसिडेंशियल
एरिया हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप में उसको डिवाइड करके जोन बना के जो पॉपुलेशन हम फाइंड करते हैं, तो उस मेथड को हम बोलते हैं जोनिंग मेथड। सो आज के हमने सेशन में देखा कि कितने टाइप की पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड है, उसके बारे में आपको अपना नॉलेज इवोल्यूट करना है तो यहाँ पे हमने एक लिंक प्रोवाइड की है, उस पर जाके आप एमसीक्यू टेस्ट जो है वो दे सकते हो और अपना नॉलेज थोड़ा बढ़ा सकते हो। होप सो आपको इस सेशन में पॉपुलेशन फोरकास्ट कैसे होता है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिला होगा। थैंक यू।